हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। और दोस्तों, जिन्होंने DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के JEE सिविल और JEE इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के एग्ज़ाम 23, 24, 25, 26 अप्रैल 2018 को दिए थे, तो दोस्तों उनके जो आंसर की है वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जारी कर दी है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हम बताएंगे कैसे आप अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं जो आपने एग्ज़ाम दिया था। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो उसमें DDA की में जो वैकेंसी थी वो 11 वैकेंसी थी और जो उसमें पोस्ट थी वो 760 पोस्टें थी, जिसमें असिस्टेंट सीनियर जिसमें असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर की थी, ASO असिस्टेंट डायरेक्टर की और लीगल असिस्टेंट और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर ग्रुप डी, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग सिलेक्शन ऑफिसर और आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर पटवारी, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग, डिप्टी डायरेक्टर PR, इनकी पोस्ट थी जिसमें 760 पद इन्होंने भरे थे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ और हम बताएंगे कैसे आप अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। और उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। इससे जो भी न्यू वैकेंसी गवर्नमेंट की निकलती है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कैसे अपना रिजल्ट और कैसे एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com और हम क्रोम में टाइप करेंगे gayatrijobs.com और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सर्च एयर में सर्च करेंगे DDA जूनियर इंजीनियर और सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको DDA इंजीनियर पटवारी AAO रिजल्ट 2017 JEE आंसर की पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर हमने पूरी डिटेल दी है जो कि एग्ज़ाम हुए थे 23, 24 अप्रैल 2018 और 25, 26 अप्रैल 2018 को, जिसमें कई सारी JEE की, पटवारी की, AAO, ASO एंड अदर मैनी पोस्ट जो थी उन पर सब एग्ज़ाम हुए थे। तो उनकी जो आंसर की है वो डिपार्टमेंट ने जारी कर दी है और जारी करने हम आपको बताते हैं कैसे आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले ये जो लिंक है DDA JEE पटवारी आंसर की 2018 को आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना यूज़र नेम डाल देना है और यहाँ पर पासवर्ड और लॉगिन कर देना है। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपकी जो आंसर की है वो शो हो जाएगी, उसमें से आप अपने जो जो आपके आंसर सही हैं उनको आप नोट कर लें और आपको अपना जो मार्क्स हैं वो आप कन्फर्म कर सकते हैं कितने मार्क्स हैं। और एक चीज़ और बता दें आपको कि बाई चांस आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपना यूज़र या आईडी डाल के फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके और अपना जो पासवर्ड है उसको भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करना न भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि उनकी हेल्प हो सके जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कोई नए गवर्नमेंट जॉब या रिजल्ट के साथ, तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।